बिलासपुर के बाखड़ा के सिलुआ पंचायत में लोगों में गुस्सा फूटा है। समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीण 3 से 4 किलोमीटर तक लोगों को पैदल मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले बच्ची की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि सड़क होती तो मासूम की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि बच्ची को सांप ने काट लिया था और उपचार समय पर नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। बिलासपुर के बाखड़ा के सलोहा पंचायत में लोगों में फूटा गुस्सा। समस्या से जूझ रहे ग्रामीण 3 से 4 किलोमीटर तक लोगों को पैदल मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले बच्ची की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि सड़क होती तो मासूम की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि अगर सड़क खुली होती तो मासूम की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि बच्ची को सांप ने काट लिया था और उपचार समय पर नहीं मिल पाया था, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी गर्भवती महिला को चारपाई पर ले जाकर अस्पताल ले जाया गया था, तब कहीं जाकर महिला का उपचार करवाया था। उन्होंने बताया कि बाखड़ा बनने से उन्होंने अपनी जमीन गवा दी है, फिर भी आज तक उन्हें सड़क जैसी सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद उन्हें टूटी हुई सड़कों का सामना करना पड़ता है। आज तक काफी सरकारें आई, लेकिन उनके गांव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ नेता लोग वोट मांग लेते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई भी नेता हटकर नहीं आता है। ग्रामीणों की बात माने तो गांव के लिए सड़क मंजूर हो गई थी, लेकिन वो कब बनेगी कोई नहीं जानता। विभाग से बात करने पर बताया जाता है कि DPR बन गई है, जैसे ही सारे कागजात पूरे हो जाएंगे सड़क बना दी जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्द काम नहीं किया तो ग्रामीण इकट्ठा होकर चक्का जाम करेंगे। आप बीमार हो जाते तो बहुत ज्यादा मुश्किल है रोड दी, बच्चों को स्कूल भेजते बहुत मुश्किल, रोड दी बच्चे के साथ जा सकते थे।